हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन है, तो लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड को इनेबल कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि डाटा सेवर मोड को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे डाटा सेवर इनेबल कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे पूछते हैं कि आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर डाटा सेवर मोड को इनेबल कर पाएंगे, तो वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। इसमें सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो डाटा सेवर को कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मोर नेटवर्क कनेक्शंस पे जाकर डाटा सेवर को आप इनेबल कर सकते हैं और डाटा सेव भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से ऑन करते ही अपने फ़ोन में डाटा सेवर को इनेबल कर सकते हैं। जैसे इस पे जाएंगे तो डाटा सेवर को जिस तरीके से इनेबल कर पाएंगे, जिससे मोबाइल डाटा वगैरह आप सेव कर सकते हैं डाटा सेवर के जरिए, और मोबाइल डाटा को भी सेव कर पाएंगे इस ऑप्शन के जरिए जब आप करना चाहते हैं। इस पर जाकर किसी भी अनरिस्ट्रिक्टेड ऐप्स का भी डाटा अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। इस तरीके से डाटा सेवर का यूज़ कर सकते हैं और डाटा सेव भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से सेटिंग्स पर जाकर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपको सर्च करना है डाटा सेव। तो क्लिक करते ही डाटा सेवर सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी, जिसका आप ओपन करके यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं और इसको इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड इनेबल कर पाएंगे फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।